गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस स्टैटिक्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स में, उसमें हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ा रहे थे। व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने आपको समांतर माध्य मतलब मीन निकालना बताया था, इसके मेथड बताए थे। इसके दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। मैंने आपको एक सॉल्यूशन कराया था जिसमें डायरेक्ट मेथड से कराया था। डायरेक्ट मेथड का अपना जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार बराबर सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसमें सिंपल हमने आपको बताया था कि एक्स को हम काउंट कर लेंगे, उसके बाद जितना हमारे सीरियल नंबर है उसे बाद दे देंगे, जो निकलेगा वो क्या है हमारा मीन। हमारा मीन कितना निकला था, 13.125। और यही हम आपको शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करके बताएंगे, और शॉर्टकट मेथड से भी हमारा यही आंसर आएगा। तो इसमें केवल हमें कुल आय दी हुई है, इसका अपना फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। इसमें आपको केवल कुल आय दी हुई है, कुल आय एक्स मतलब एक्स दिया हुआ है 2, 3, 5, 10, 15, 20, 23, 27। इसमें सीरियल नंबर हमारा पहले से लिखा हुआ है, एक्स हमारा पहले से लिखा हुआ है। अब हम इसमें करेंगे शॉर्टकट मेथड से। इसमें क्या होता है, इसमें एक ए मानना होता है। ए हम किसी भी संख्या को मान सकते हैं, चाहे ऊपर वाली संख्या को मान ले, चाहे नीचे वाली संख्या को मान ले, किसी भी संख्या को मान लेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बीच वाली संख्या को जब हम ए मानते हैं तो हमारा मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छे से हल हो जाता है। तो हम 15 को हमने ए माना है, अब 15 को ए माना है तो मैं इसमें से माइनस करूँगी। 2 में से 15 गए माइनस के 13, 3 में से 15 गए माइनस के 12, 5 में से 15 गए माइनस के 10, 10 में से 15 गए माइनस के 5। उसके बाद 15 में से 15 जाएगा, 0 कुछ नहीं बचेगा। फिर नीचे हमारे प्लस के आएंगे, क्योंकि नीचे सारी संख्याएं क्या है, 15 से बड़ी हैं। इसीलिए 20 में से 15 गए प्लस के 5, 23 में से 15 गए प्लस के 8, 27 में से 15 गए प्लस के 12। ये हमारा जो माइनस का टोटल हुआ वो कितना हुआ, 40, और जो हमारा प्लस का टोटल हुआ वो हुआ 25। अब ज़्यादा किस चीज़ का है, माइनस का। जो माइनस का 40 है, प्लस का 25 है, तो माइनस का ज़्यादा हुआ तो माइनस के 40 में से मैंने प्लस के घटा दिए, तो कितना बचा हमारा, माइनस के 15 बचे हैं। अब लगाएंगे हम, अब देखो जो हमारा ए है वो क्या है, ए जो हमने माना है वो क्या है, 15। उसके बाद एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ ये सीरियल नंबर क्या है, 8, तो 8 लिख लिया। डी एक्स हमारा कितना निकला, जो हमने निकाला है डी एक्स है हमारा 15, ये निकला है, ये हमने निकाला है। इसके बाद एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, 15 प्लस, क्योंकि ए हमने क्या माना है, 15, तो 15 प्लस। अब ये हमारा डी एक्स कितना निकला था, 15, तो माइनस के 15 अपॉन हमारे नंबर ऑफ सीरियल नंबर कितना है, 8, एन बराबर 8, तो हमने यहाँ 8 लिख लिया। इसको इसमें से हमने काटा, भाग दिया, तो हमारा आया 1.875 आ गया। अब इसके बाद फिर हम करेंगे एक्स बार बराबर 15 प्लस क्यों करेंगे, ए प्लस, तो इसमें से ये भाग दिया तो हमारा ये निकला है। अब हमारा 15 तो प्लस है ही, माइनस क्या करेंगे हम, ये क्यों, क्योंकि हमारा जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे माइनस की 15 आ रही थी, तो 1.87, तो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो एक्स बार बराबर 15 माइनस 1875, ये हमारा निकला है। अब 15 में से हमने इसको माइनस किया, हमारा कितना आया, 13.125, ये हमारा आंसर आया शॉर्टकट मेथड से। और यही हमारा आंसर किससे आ रहा था, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब आप लोग ये सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं।